तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ सस्ता एवेंजर। और आज के इस वीडियो में आपको गेस्ट करना है कि मैं कौन सा हीरो बनने वाला हूँ। ओके गाइस, तो आज के इस हीरो को गेस्ट करने के लिए मैं आपको एक क्लू देता हूँ। तो यार आज तक के मैंने जितने भी हीरो वाले वीडियोस बनाए हैं उसके अंदर मैं ये वाला हीरो नहीं बना। तो यार अब तो आप गेस्ट कर ही सकते हो। वेट ए सेकंड, मेरे हाथ में शील्ड देख के आप सोच रहे होगे कि मैं कैप्टन अमेरिका बनूंगा, बट नहीं, क्योंकि यार इसको बनना कोई काम का नहीं है। कैप्टन अमेरिका अवेंजर का सबसे गरीब और सस्ता हीरो है, और इसका मैं आपको एक रीजन भी दे सकता हूँ कि इस भी सर को यूज करने के लिए सिर्फ एक शील्ड ही दी है, और आखिर में इस शील्ड को भी आयरन मैन ले लेता है। गजब बेइज्जती है। तो गाइस फाइनली मैंने बहुत ही बातें कर ली, और आज के इस वीडियो में मैं बनने वाला हूँ हल्क। नहीं यार, ऐसे बोलने में मजा नहीं आया, मैं फिर से ट्राई मारूंगा। तो देवी और सज्जनों अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि हमारे हीरो का जलवा देख के आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। सो लेडीज एंड लैड्स, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ हमारा हीरो जो आया है नर्क से, और इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा है हमारे हल्क से। हाँ तो गाइस, इससे पहले हम कैप्टन अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे, और कैप्टन अमेरिका को मन दुख ना हो इसी वजह से उनको अवेंजर की लीडरशिप दे दी गई। पर सच बताओ तो कैप्टन अमेरिका का लीडरशिप वाला काम भी आयरन मैन ने किया है, और अपने कैप्टन अमेरिका पूरे फिल्म के अंदर अपनी शील्ड घुमाते ही बैठे है। आखिर में उनको भी शो ऑफ करने का मन हुआ, तो यार उनको एक हथौड़ा पकड़ा दिया गया ऑब्वियसली, जो की थोर का था। गाइस #RIP थोर इन द कमेंट। तो आपको लग रहा होगा की मैं सारी बातें आपको क्यूँ बता रहा हूँ, क्योंकि यार कैप्टन अमेरिका खुद भजिया करने के लिए सलाह गया और मुझे बोलता है अगर तुम फ्री हो तो इस वाली शील्ड को पोसा मार देना। मतलब यार मैं हल्क इस वाली शील्ड को पोसा मारू, जब तक मेरे ऊपर खुद से आके पानी नहीं गिरता तब तक मैं नहाता नहीं हूँ। और बात है इस वाली शील्ड को पोसा मारने की, नहीं कभी नहीं। ओके गाइस, तुम यहाँ पे हल्क तो बन चुका हूँ, नहीं यार इस वाली आग को फुल्ली इग्नोर मारो, क्योंकि यार ये तो सिर्फ कुदरती बात है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही पाद मारा और यहाँ पे आग लग गई। यार मैं पावरफुल ही इतना हूँ। तो यहाँ पे हल्क बनने का बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, नहीं ये आग लगाना नहीं कि हल्क बनने के बाद मुझे 500 किलो खाना पड़ता है, और उसका 50% मुझे खाना निकालना पड़ता है, यानी कि टट्टी करने के लिए जाना पड़ता है। और जब मैं ये करने के लिए जाता हूँ तब मुझे एक साथ 3 संडास रिजर्व करवाने पड़ते है, क्योंकि यार आपको पता ही है कि एक में मैं समाने वाला नहीं हूँ, और एक साथ मुझे 3 घंटे का रुपया देने पड़ते हैं। माइनक्राफ्ट के अंदर भेदभाव मेरे साथ ही हो रहा है, ये सभी जलते हैं मेरी पावर से। ओ चाचा, आपके सामने हीरो खड़ा है, ऑटोग्राफ चाहिए क्या? अरे नहीं रे, तेरा भाई मेरे खेत के अंदर आया था कल, सुन सुन के गाजर मूली खा के गया, निकल यहाँ से तू। देखो चाचा, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक मैं अकेला ही हूँ, और मेरा कोई भाई भी नहीं है जो कुंभ के मेले में खोया हुआ है, क्योंकि मैं कभी कुंभ के मेले में गया ही नहीं हूँ। पर गाइस मैं वाली बात को ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यार मेरे जैसे इतने बड़े हीरो के चार अक्षर के नाम को कोई यूज कर रहा है, वो भी अपने भले के लिए। तो यार ये वाली बात मेरे जैसे हीरो के रेपुटेशन पे असर कर सकती है, और मुझे नहीं पता रेपुटेशन का अर्थ क्या होता है, तो मुझे पूछना मत कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने बोल दिया। तो गाइस मेरे नकली भाई के पास जाने के लिए जो कि अभी अभी बना है, मुझे इसके ऊपर सड़ना पड़ेगा, और इसके ऊपर सड़ने के बाद मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही ठग जाऊंगा। और जब भी मैं ठग जाता हूँ तो मैं डबल खाना खाता हूँ, क्योंकि आज पक्का मेरी जेब ढीली होने वाली है, आज बहुत ही खर्चा हो जाएगा। अबे यार मैं यहाँ पे ऊपर आने की पूरी रात से ट्राई कर रहा हूँ, और यहाँ पे सुबह हो गई है, अब जाके मैं ऊपर आया हूँ। कौन कहता है हीरो को प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पे जो मेरे भाई की मैं तलाश कर रहा था वो यहाँ पे बंधन नहीं, मेरा मतलब गोरिल्ला निकला। इसका मतलब ये हुआ कि विलेजर्स मुझे गोरिल्ला जैसा समझता है। ये सारे गवार विलेजर्स खुद तो आदिमानव से भी ज्यादा अनपढ़ है, और मुझे गोरिल्ला मानते है। ओके गाइस, तो गोरिल्ला महेशी को मैंने अभी अभी मेरा भाई बनाया है। हाँ, बिना राखी के क्या डायनोसोर? अभी यार इसको मुझे राखी बांधनी थी, मेरी रक्षा तो करता। और ये हमारी दुबई सिटी के अंदर हो क्या रहा है? कभी डायनोसोर आ रहे, कभी गोरिल्ला आ रहे। एक काम करो, आप सभी जानवरों यहाँ पे रह लो, हम सभी जू के अंदर रह लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस वाले घर के अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे मेरी शक्तियाँ चली गई है, तो यार मुझे फिर से हल्क में बदलना पड़ेगा। तो गाइस थोड़े बहुत सस्ते नशे के इफेक्ट के बाद मैं फाइनली अपनी शक्तियां वापस लेने में कामयाब हो चुका हूँ, और अब ना डायनासोर की तो मैं फाड़ ही दूंगा बाजू। मेरी ताकत के सामने डायनासोर तो क्या कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। और एंड गेम में ना मैंने तो थेनोस की बजाई डाली थी, तो यार थेनोस के सामने डायनासोर कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी सी तिल्ली है। रुको, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, ठीक है मैं इसको मार के आता हूँ।
ठीक है, मैं मानता हूँ कभी कभी होता है और यहाँ पे मैं जानबूझ के मरा हूँ, वरना यार आपको लगेगा कि हर बार मैं ही जीत रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये वाली मैच सेट की है। तो गाइस इस वाले डायनासोर को देख के मुझे एक बहुत ही बड़ी आइडिया है कि इस वाले डायनासोर की पावर इतनी ज्यादा है तो हमारे गोरिल्ला की पावर इससे डबल ही होगी। तो इस वाले डायनासोर और हमारे गोरिल्ला को क्यों ना एक दूसरे से फाइट करवाते है, और इस वाली फाइट को करवाने में हमारा फायदा ही फायदा है, क्योंकि यार इस वाली फाइट में हमारा कोई भी नुकसान नहीं जा रहा, ना तो हमें कोई डैमेज पड़ रही है। इस वाली फाइट में या तो डायनासोर मरेगा या तो गोरिल्ला मरेगा, और आखिर और सबसे बढ़िया वाला फायदा ये है कि इस वाली फाइट में जो भी मरेगा उसको मारने में हमारा नाम आएगा, तो यार हमारा नाम बनेगा और ऊपर से मजा भी आएगा। ओके, तो मेरे गोरिल्ला भाई, यहाँ पे तुम्हारी बहन, मेरा मतलब तुम्हारा भाई खतरे में है, तो यार यहाँ पे वक्त आ गया है तुम्हारे भाई की रक्षा करने का, और इस वाले डायनासोर को बता दो कि तुम्हारे बड़े से बम में है कितना दम। ओ अंकल, एक साय देना तो नहीं, काम करो एक वड़ा पाव भी दे दो, क्योंकि यार इस वाले डायनासोर को आने में इतनी देर लग रही है कि बात ही मत करो, क्या पैरों में मेहंदी लग गई है क्या। आइला, यहाँ पे अपना गोरिल्ला उसकी बहन के, मेरा मतलब उसके भाई की रक्षा के लिए उसका सब्र तोड़ के सामने से डायनासोर को मारने के लिए गया है। इसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ गया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय भाई। पर डायनासोर को कुछ कर क्यों नहीं रहा, क्या गोरिल्ला तूने पार्टी बदल ली? नहीं, ये नहीं हो सकता गोरिल्ला, मैं तुम्हें अपनी साइड पे करने के लिए 3 डजन केले दूंगा, ठीक है 5 डजन केले दूंगा, ठीक है भाई पूरा ट्रैक्टर केले ले जा। By the way, गोरिल्ला, मैं खिलौनों की ट्रैक्टर की बात कर रहा था, तू असली वाला तो नहीं समझा ना। तो गाइस यहाँ पे इन सारे डायनासोर से मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ट्रैक्टर वाली बात से हमारा गोरिल्ला रुट गया है। हमारे गोरिल्ले को पूरा ट्रैक्टर केले खिलाने से अच्छा इस वाले डायनासोर को 10 विलेजर्स खिला के अपनी साइड करना है। लेकिन जैसे कि आपको पता है मैं यहाँ पे हीरो हूँ, इसलिए ये काम तो मैं नहीं कर सकता, मुझे धर्म की साइड पे रहना है। अगर मैं विलेन होता तो ये काम जरूर से कर लेता। इस वाले डायनासोर को मारने के लिए मुझे एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मैं इसके पीछे शांति से जाऊंगा और इसको पैर को मारूंगा। अरे अरे सर आप यहाँ पे, अरे मैं तो आपका पैर दबाने के लिए आया था। देखा डायनासोर, इस जमाने में किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर मेरे ऊपर। 2 hours later उड़ी बाबा, ये क्या है गाइस, इतना बड़ा गोरिल्ला मैंने आज तक नहीं देखा, लिटरली ये बुर्ज खलीफा जितना बड़ा गोरिल्ला है। वेट ए सेकंड, ये हमारा गोरिल्ला भाई तो नहीं है ना, बट ये इतना बड़ा कैसे हुआ? आई थिंक बुर्ज द पावर ऑफ गारंटी, नहीं क्या था, बुर्ज द पावर ऑफ वारंटी, नहीं नहीं यार बुर्ज द पावर ऑफ शक्ति, वही पिया होगा। पर गाइस सच कहूं तो हमारा गोरिल्ला इस वाले लुक में बहुत ही हॉट लग रहा है, क्योंकि अरे जल रहा है और इसके सिंगारे चारों तरफ उड़ रहे हैं। आइला, हमारा गोरिल्ला तो सभी डायनासोर को धोबी पसा ट्रीटमेंट दे रहा है, और इसको देख के मुझे बहुत ही मजा आ रहा है, मतलब यार इतनी ज्यादा शक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। और गाइस यहाँ पे बातों ही बातों में डायनासोर तो खत्म, फिनिश, बाय बाय टाटा हो गया। पर गाइस बात अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि यार हमारे भड़के हुए गोरिल्ला भाई को शांत करने के लिए मैं क्या करूँ, आई थिंक मैं लोरी गाता हूँ, नहीं लोरी गाऊंगा तो और भी भड़क जाएगा। ओ आइडिया, इसको तो मैं अरिजीत सिंह के गाने सुनाता हूँ, तब तक आप जाके वीडियो को लाइक मारो और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। तो गाइस फाइनली हमारा गोरिल्ला भाई यहाँ पे अरिजीत सिंह के गाने सुन के वापस से शांत हो गया है और अपने नहाने का फूल आनंद उठा रहा है। बट आप देख रहे हो हमारा बुर्ज खलीफा यहाँ पे 3D से 2D हो गया है, ये सभी इसके गुस्से का नतीजा है। तो यार इसी 2D बुर्ज खलीफा के साथ आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोको। तो गाइस मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू लेटर। अबे ओ गोरिल्ला, तुझे अपने आप से नहाना हो तो ना, मैं तुम्हारी पीठ घिसने वाला नहीं हूँ।